गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है हमारा नेपाल में डे 4 और आज है हम पोखरा में, बट आज हम पोखरा से जा रहे हैं मुक्तिनाथ। हमने यहाँ से गाड़ी बुक कर ली है और अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं। हम सब रेडी हो चुके हैं, अब निकलते हैं। पहले ब्रेकफास्ट तो मुझे लग नहीं रहा हमें मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ लोग बहुत लेट उठते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेट नाइट तक लोग जगते हैं और उठते बहुत लेट हैं। तो फिलहाल तो निकलते हैं, रास्ते में कुछ खाएंगे और मैं आपको दिखाती हूँ सबकी तैयारी। यहाँ पे हो चुके हैं सब रेडी और हम अपना यहाँ पे बाकी लगेज तो यहीं छोड़ के जाएंगे, और जो सिर्फ हमारा मेन सामान है, क्योंकि हमें आज जाना है कल वहाँ पे, आज स्टे करेंगे रात को, उसके बाद हम लोग कल रिटर्न आएंगे यहाँ वापस, तो हमें कल यहीं पे रुकना है। इस वजह से हम अपना पूरा लगेज नहीं लेके जा रहे, और सुबह सुबह का मौसम कुछ इस तरीके का है, यहाँ बहुत सुंदर लगता है, सामने से सारा लेक व्यू है यहाँ, और हल्की हल्की सी धुंध, बहुत सुंदर लग रहा है। सो गाइस, अब हम रेडी हो गए हैं, अब हम निकल रहे हैं। हमने स्कॉर्पियो बुक की है, क्योंकि बस बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग रहती है एंड स्कॉर्पियो से ज़्यादा बेटर रहता है। ऑफ रोडिंग भी है और लाइक हम लोग ज़्यादा भी हैं, तो थोड़ा सा हम इंजॉय करते करते जाना चाहते हैं, और बीच बीच में हमको जो भी सीरीज दिखेंगे, जो भी चीज़ें दिखती रहेंगी, हम आपको दिखाते रहेंगे। और लाइक अब हम आपको डायरेक्ट मिलते हैं मुक्तिनाथ में। ओके, अभी संडे को आ जाएंगे। सब अपना अपना सामान बाहर निकाल चुके हैं, निकाल लो अपना लगेज वगैरह बाहर, और यहाँ पे बैठ के नज़ारे बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा ऊंचाई पे था हमारा ये वाला होटल। हाय गाइस, हम निकल गए हैं मुक्तिनाथ के लिए। ये आए हम बैठे हुए गाड़ी में, हम दोनों हो रखे काले काले, मैं सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट, और ये दोनों ग्रीन, अरे हाँ यार, और ये तीसरी भी ग्रीन है, सही है। तो अभी तो लेके चलते हम आपको अपने नए सफर पे, गाने इतने बढ़िया चल रहे हैं ना। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और लगभग हम इस टाइम पे अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं हम कितने बजे तक वहाँ पहुँचते हैं। वैसे तो 7-8 घंटे का रास्ता है, और रास्ता बीच में काफ़ी ख़राब भी मिलेगा, ऐसा कई सारे लोगों ने हमें बता दिया है। तो लेट्स होप कि हम टाइम से पहुँच जाएँ और सेफली हम लोग पहुँच जाएँ। आपको भी हम लोग पूरा रास्ता दिखाते हुए चलेंगे, जैसा भी बीच में आएगा सारे व्यूज़ हम आपको दिखाएंगे। बाकी यहाँ सभी ने हमें बोला कि मुक्तिनाथ जो जगह है वो जन्नत से कम नहीं है, ये सच है या नहीं अब वहाँ जाके ही पता चलेगा। गाइस, हमारा फर्स्ट ब्रेक मुक्तिनाथ जा रहे हैं जॉमसन। ये देखिए कितनी बढ़िया ग्रीनरी है यहाँ आसपास। यहाँ हमने ब्रेकफास्ट के ब्रेक लिया है, मैगी बनवा रहे हैं, चाय बना रहे हैं, फिर आगे देखेंगे कुछ बढ़िया होगा खाने के लिए तो वो खाएंगे। अभी तक तो रोड साफ है, बढ़िया है, अच्छा है। बीच में थोड़ा सा पैच ख़राब था, बाकी तो ठीक है, होपफुली ऐसा ही रहे। पर जहाँ हमने कल बात करी थी वो भैया बता रहे थे ख़राब रास्ता है, तो आगे हो सकता है ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा हो। लेट्स सी, रास्ता देखिए वैसे तो मैंने लास्ट व्लॉग में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि मुक्तिनाथ जाने के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, बट मैं इस व्लॉग में भी आपको बता दूं कि मुक्तिनाथ अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको एक परमिट लेना पड़ेगा, अपना एक पास बनवाना पड़ेगा। अगर आप पास नहीं बनवाते तो आप मुक्तिनाथ नहीं जा सकते। अगर आप नेपाल के रहने वाले हैं तब आपको इस पास की या परमिट की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप नेपाल के बाहर के हैं, यानी जैसे इंडिया के हो गए या किसी और अदर कंट्री के हो गए, तो आपको ये पास लेना ज़रूरी है। इसके लिए आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ
और अपना पासपोर्ट साइज फोटो देना पड़ेगा। गाइस इन छोकरियों को देखो, गधेरे में जा रही है। इनको मैं बोल भी रहा हूँ यहाँ पे मत जाओ, पैर लग जाएगा। पानी की स्पीड देखो कितनी तेज है और कितना काला पानी है। ये इस नदी का नाम है काली गंडकी रिवर, नेपाल से ही ओरिजिन हो रही है इसका। हेलो एवरीवन, तो अभी हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है, तो ब्रेक लेना ज़रूरी है। और हम इतनी ब्यूटीफुल जगह में अभी उतरे रुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए कितनी सुंदर है, यहाँ पे नदी बह रही है पूरी। और ये है हमारे ड्राइवर भैया जो हमारे साथ आए हैं। हेलो कर रहे हैं आप सभी को। और ये इतना सुंदर झरना है यहाँ पे, ये वाटरफॉल इतनी ऊंचाई से आ रहा है और इतना मतलब बहुत ज़्यादा इसमें पानी है। हेलो भोटिया। श्यामा श्यामा अब हम आ गए हैं लंच करने के लिए और यहाँ पे ना नदी बह रही है और इधर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। दिख नहीं रही नदी बट बहुत ठंडी हवा आ रही है उसकी वजह से। श्यामा ये देख रहा है कि मेरी तरह दो लड़कियाँ कैसे आ गई। अच्छा लगा उसके मुँह पे अपने आप के लिए तो ठीक है, उनको क्यों इंटरव्यू कर रहा हूँ। हमने लंच कर लिया है, अब हम आगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ चल रहे हैं। पोखरा में साइट सीइंग के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग कर सकते हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर। पैराग्लाइडिंग होती है, स्काई डाइविंग होती है और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पर की जा सकती है और जिसको करने में सच में बहुत मज़ा आएगा। तो ये आ चुकी है चेक पोस्ट, यानी कि हम मुक्तिनाथ के आसपास हम पहुँच चुके हैं और यहीं पे हमें अपना परमिट है जो वो शो करना पड़ेगा, वहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि हमने यहाँ आने के लिए परमिशन ले ली है या नहीं ली, उसी परमिट से हमें अलाउड करेंगे आगे जाने के लिए। मुक्तिनाथ का जो एरिया है वो अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया के अंडर आता है, इसलिए यहाँ के लिए परमिट ज़रूरी है। आप यहाँ पर आसपास का एरिया देख सकते हैं, आसपास जो पहाड़ है और जो सुंदरता यहाँ पर नज़र आ रही है, इतना अच्छा मौसम हो रखा है, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हो काफ़ी लोग यहाँ पर बाइक से भी जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये वाला ट्रैक बाइक से करते हैं। और ये देखिए, ये हमारे परमिट है, अभी हमने यहाँ चेक पोस्ट पे अपने ये परमिट चेक करवाए हैं, इसके बाद ही हमें आगे जाने के लिए अलाउड किया गया है।
हमने ये परमिट ब्रोकर के थ्रू बनवाए थे, इसलिए हमने इसके लिए 1500 नेपाली रुपीस पे किए हैं। बट अगर आप किसी रजिस्टर्ड सेंटर में जाते हैं तो आपको वहाँ पे 1000 नेपाली रुपी पे करने पड़ेंगे इस परमिट के लिए। ये देखिए रास्ते में कितनी टूट फूट हो रखी है, वैसे अभी रोड बनने का काम चल रहा है। ड्राइवर भैया ने हमें अभी बताया कि जो रोड कंस्ट्रक्शन है उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट चाइना को दिया हुआ है और चाइना यहाँ पर जो है वो रोड डेवलपमेंट का काम करवाती है। जैसे जैसे हम मुक्तिनाथ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं रास्ता और ज़्यादा ब्यूटीफुल होता जा रहा है। मुक्तिनाथ भले ही सुंदर होगा पर वहाँ तक का पहुँचने का जो रास्ता है वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मतलब हमें रास्ते में हर तरीके के पहाड़ नज़र आ गए, जिस तरीके के पहाड़ हमारे इंडिया में शिमला में होते हैं या उत्तराखंड में होते हैं, और ऊपर हम जैसे जाते हैं कश्मीर की साइड तो हमें हर तरीके के पहाड़ यहाँ पर नज़र आए हैं। सामने ऐसा लग रहा है धूल उड़ गई अभी तो, बट जो सामने है ना तो ऐसा लग रहा है जैसे ना किसी टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरी नदी थी और जिसका पानी अब सूख चुका है, क्योंकि यहाँ ना नदी वाले पत्थर हैं और पूरी नदी वाली यहाँ पे फील आ रही है। अब हम लोग पहुँच चुके हैं जोमसम। यहाँ पर ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे कि हम लोग कोल्ड डेजर्ट में पहुँचे होंगे, जैसे हमारा लद्दाख है सेम उसकी तरह लग रहा है। और पहाड़ काफ़ी ऊँचे ऊँचे हैं पर पहाड़ों पे कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई ग्रीनरी नहीं है। हम लोग पोखरा से सुबह करीब 7 बजे के अराउंड चले थे और अभी लगभग टाइम हो रहा है 4:30 और हम पहुंचने वाले हैं मुक्तिनाथ की तरफ, यानी कि लगभग हमने 8-9 घंटे का सफर तय कर लिया। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मुक्तिनाथ टेंपल के पास। अभी टेंपल तो बहुत दूर है इधर से, वैसे नीचे से गाड़ी ने जाना था बट ये रास्ता टूटा हुआ है तो इसलिए हमें ना पैदल जाना पड़ेगा अभी। और अभी टेंपल तो यहाँ से थोड़ा सा दूर है बट यहाँ पर होटल्स वगैरह हैं तो यहाँ पे ही स्टे करना है। और टेंपल बोल रहे हैं अभी भी 40 मिनट और आ गया है अगर वॉक करते हुए जाते हैं, क्योंकि आगे गाड़ी जाने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि रास्ता तो टूटा हुआ है इसलिए। और वैसे मंदिर तक पोनी से भी जा सकते हैं, ये घोड़े खच्चर यहाँ पे हैं बट हम लोग नहीं जाते हैं घोड़े खच्चर से, हम पैदल ही जाते हैं। बट सुंदर जगह है, बहुत अच्छी जगह है, अलग सा है कुछ, पहाड़ अलग से हैं। पर जो यहाँ के व्यूज़ है ना वो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है, मतलब आप उनको बयान नहीं कर सकते शब्दों में, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। और यहाँ पे ना बहुत ठंडा मौसम भी हो रखा है, मतलब बहुत अच्छा हो रखा है। स्वेटर पहनना चाहें तो पहन भी सकते हैं, नहीं भी पहने तो भी चलेगा, क्योंकि ऐसा वाला भी नहीं कि बहुत ठंडा है, बट बहुत अच्छी हवाएं चल रही हैं। इतनी ऊंचाई में भी इतने अच्छे यहाँ पे लोगों ने अपने घर बना रखे हैं, होटल्स बना रखे हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है यहाँ। ये देखो ज़रा, यहाँ पे आते ही सब बैठ गए। धूप कम हो गई थी तब जाना। हाँ अभी बाहर जाएंगे हम थोड़ा सा, अभी हल्की से धूप हो रही है। चाय नाश्ता तो कर ली लेते हैं। चाय बनवा दो, चाय 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 पीऊंगा। रोल नंबर 1 ही रहता था मेरा। हाँ तो कॉलेज में भी और इसमें भी। साला मेरे को लगा कॉलेज में ना पहले क्या हो गया था, बीच में भूल आ गया था, लड़कियाँ नहीं होती थी पहले, लड़कियों के नाम से हो गया था स्टार्ट। मेरे बीच मेरे लास्ट में आती थी वृष्टि वी, फिर उसके बाद में, लेकिन तब भी साला मैं सबसे आगे बैठता था। ए नाम वालों का नंबर पे पर मेरा नाम आता था क्योंकि ए नाम वाले इतने होते थे कि फिर उसके बाद बी नाम वाले, फिर सी आता था। अभी कहां किया तो ना उसमें एचडी में थे, नाले में गए। तो अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और ये रहे मेरे गाइस लोग, गाइड लोग, मेरे बॉडी गार्ड्स, अकेला नहीं छोड़ते मुझे। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है यहाँ। हाँ आसमान में तो काले काले बादल छा चुके हैं, ये चिकन वो लेंगे ना। और यहाँ से जो मुक्तिनाथ मंदिर है वो है 2 किलोमीटर दूर। ये बहुत हाइट पे है ये जगह जहाँ पे अभी हम हैं, पर यहाँ पे होटल देखिए आप कितने अच्छे बने हुए हैं,
घर इतने अच्छे बने हुए हैं। हालांकि यहाँ बहुत महंगा है क्योंकि ऑब्वियस है ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा महंगा होगा यहाँ पे, क्योंकि सामान जो यहाँ तक आता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और फ्यूल वगैरह भी लगता है, तो इसलिए यहाँ पे चीज़ें थोड़ी महंगी है। अगर आप खाना वाना खाएंगे या फिर कोई चाय वगैरह लेंगे, कॉफ़ी वगैरह लेंगे, तो जो नीचे था पोखरा में उससे तो डबल रेट है यहाँ पे लगभग, समझ लीजिए। और आप इधर आएँ तो अपने पास थोड़ा सा कैश वैश ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि यहाँ कुछ पता नहीं होता एकदम से कौन सी चीज़ कितनी महंगी मिले, क्योंकि एक तो हाइट पे है ना बहुत ज़्यादा, और ईजी नहीं है सब चीज़ें होना। देखिए दोस्तों, ये है 15 रुपये वाला बिस्किट और ये 20 रुपये वाला, मतलब नेपाली रुपीज़ में, और ये यहाँ पर हमें सीधा डबल रेट में मिले हैं, मतलब हमने 60 रुपये के दो बिस्किट खरीदे हैं। इंडियन का कितना हो गया, मतलब यहाँ पे 1.6 का रेट चलता है वैसे तो, पर ये लोग क्योंकि ऊंचाई पे है ना यहाँ, इसलिए महंगा है थोड़ा, और कई बार 1.5 में भी देते हैं अगर आप इंडियन करेंसी दोगे तो। सो गाइस, हम अब पहुंच चुके हैं मुक्तिनाथ जॉनसन और अब हम रेडी हो चुके हैं। मुक्तिनाथ तो हम कल जाएंगे, बट आज हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या देखने की जगह है। और ये देखिए यहाँ की कितनी छोटी गिट्टी गिट्टी सी गायें हैं, एकदम प्यारी लग रही है। देखो ये छोटी सी गिट्टी गायें हैं, ये बच्चे नहीं, ये गिट्टी गिट्टी गायें हैं। हमारा चाय पार्टनर आया है यहाँ पे चाय पीने के लिए हमारे साथ, वैसे बिस्किट खाने आए ये। आवाज निकाल रही है कुछली। ये देखिए यहाँ पे नीचे रेस्टोरेंट में ये टीवी देखने के लिए आ गए हम सारे। वैसे तो मोमोज का ऑर्डर दे रखा है, मोमोज मोमोज। ये देखो पीछे अलग ही चल रहा है इनका, मोमोज अभी बन रहे हैं, तब तक हम अमिताभ बच्चन की पिक्चर देख रहे हैं। मंदिर में दर्शन करने के लिए हम जाएंगे कल, तब तक के लिए आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।